मॉर्निंग एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम आपको हमारे नज़दीक के गांव बड़राई में जो मेला भरता है हर वर्ष, बाबा श्याम मंदिर बड़राई में, पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ है योगी दादा, तो लेट्स गो। तो आज शनिवार है और रास्ते में शनि बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है बड़राई गांव में, पूजा करके निकलते हैं। तो हमने पूजा कर ली, चलिए श्याम बाबा के दर्शन करने निकलते हैं। ये देखिए हमारी आंटी, हमारे पूरे ब्लॉग देख के थैंक यू। बड़राई गांव के अंदर हर शनिवार को यहाँ पे पूजा होती है। गांव के सहयोग से आप इतना अच्छा कार्यक्रम किया गया है, आप सभी भी यहाँ पे बिता रहे। बाबा शनिदेव के मंदिर से पूजा करके निकल रहे थे, तभी देखिए कितनी अच्छी झांकी देखने को मिली है बाबा श्याम जी की, बहुत मजा आ गया देख के। देखिए आप भी, ये जाके गोपलवास गांव की तरफ से आई है, श्रद्धालु शायद परिवार आए हैं, बहुत अच्छा लगा देख करके। श्याम बाबा की रथ पालकी कितनी सुंदर लग रही है, देखिए आपको बहुत ही मनोहर लग रही है। बाबा श्याम मंदिर में वहीं में आगे मिलेंगे हमें, चलिए चलते हैं। चलिए आज आपको बड़राई गांव के मुख्य द्वार से लेके चलते हैं। आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपको ये रास्ता देखिए, ये सीधा श्याम मंदिर परिसर में जाता है, आप इसके द्वारा भी आराम से वहाँ पे जा सकते हैं। और यदि इस साइड से आ रहे हैं, ये दोनों रास्ते मंदिर में ही जाते हैं। कल भी हम पवदारे थे बाबा के दरबार में, कल छोटा मेला था, आज बड़ा। तो श्याम मंदिर की तरफ जाते हुए घर के आगे मीठे पानी की सेवा लगाई गई है, धर्म का कार्य किया जा रहा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। जय श्री श्याम। अब चलते हैं वापस। बड़राई गांव से 2-3 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलने पर बाबा श्याम का मंदिर आता है। बाबा श्याम का मंदिर अरावली हिल्स में पहाड़ों में स्थित है। उधर नौरंगाबाद एवं बड़राई दोनों गाँव के सहयोग से इस मंदिर का संचालन किया जाता है। दोनों कमेटियाँ बहुत ही तन मन धन से बाबा की श्रद्धा सेवा में लगी हुई है, इसके लिए भी कार्यक्रम चल रहा है। श्रद्धालु बना रहे हैं, इधर मेला है बाबा, कल भी हमने आपको दर्शन करवाए थे बाबा के, वहाँ भी चल जाएंगे। इधर वहाँ पे पहले जाके गेम देखते हैं, क्योंकि आज लॉन्ग जंप का गेम था, हमें भी ट्राई करना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जय हिंद, जय बाबा की। क्या बाबा देख सकते हैं हम चार तरफ से। तो भाई यहाँ पे देखिए हम मेला में पहुँच चुके हैं, अभी हम जाने वाले हैं आगे, आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम अभी बाबा श्याम मंदिर के सामने हैं, उस साइड गेम्स हो रहे हैं और इस साइड भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पूजा के बाद में हम आपको दिखाते हैं, चलिए चलते हैं पूजा के लिए।
हमने श्याम बाबा के दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद भी हम चलिए इधर बाबा राम सर के दर्शन करते हैं। फिर आपको मंदिर दर्शन करने के बाद में इधर से लाइन लगती है, यहाँ पे बाबा राम सर जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पानी देने देवी देवता है मान्यता के अकॉर्डिंग। अभी आप तो भाई जी देखिए, हम वहाँ से पूजा करके आ चुके हैं। अब राम सर के मंदिर के सामने लाइन बहुत बड़ी है, चलिए दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं। लाइन देखिए बहुत बड़ी है, बहुत कोशिश के बाद हम आगे आ गए, पर प्रतीक्षा के बाद में दर्शन करने का मजा ही कुछ और। जय बाबा की। ये देखिए, ये सिस्टम बहुत अच्छा है। मंदिर के सामने एक और ग्लास डोर लगाया गया है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे थोड़े थोड़े स्टेप्स पे भीड़ को रोक रोक के यहाँ पे भीड़ न होने दे, इसलिए व्यवस्था अच्छी की गई है। बाबा राम सर के दर्शन करने के बाद में हमने प्रसाद ग्रहण किया और जो बाकी बचा पोर्शन था वो हमने भी फिर से किया। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इसके बाद में जो इसके पीछे है 400 मीटर लड़कों की दौड़ है ओपन। इसके बाद देखिए शिखर पर बाबा श्याम जी का ध्वज बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत ही मन प्रसन्न हो रहा है इसे देख कर, ये मजा आ गया। जय श्री श्याम। ये देखिए योगी को उसका अपना पुराना दोस्त मिला, बात करके बहुत मजा आया। देखिए इतनी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई यहाँ पे बाबा के दरबार में। तो आप सब पहुँचे प्रसाद ग्रहण करें, ये सभी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, सभी के लिए एक लाइक बनता है, अपना बन रहा है और वहाँ पे प्रसाद ग्रहण के लिए बनना बन रहा है। आज का मौसम बहुत ही बेहतरीन है और ये देखिए पहाड़ों के अंदर तो प्रकृति बहुत ही अच्छे स्वरूप में देखा जा सकता है। चलिए आपको आप जहाँ पे गेम्स हो रहे हैं उस तरफ बहुत दूर से श्रद्धालु बना है, कहाँ से है खादमा से इतनी ज्यादा दूर से आए भाई साहब दर्शन कर लिया। ये हमारा छोटा भाई मोनू, तो चलिए कुछ हंसी मजाक के बाद में आगे मेरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए कल रात को कबड्डी के मैच तो पूरे हो गए, आज कुश्ती के बचे हुए हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं आप। और ये देखिए गाड़ियों से भी अंदाजा ला जाए बाबा के प्रेमी हुआ। और ये देखिए संचालन मंच यहाँ पे विराजमान सभी मुख्य अतिथि और ये दर्शकगण। और यहाँ पर बॉयज ओपन रेस टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जिसकी ड्यूटी लगी है फर्स्ट सेकंड थर्ड को पकड़ना। और शुरू हो गया सब, आज हौसला बढ़ाओ बच्चों का। साबा यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे कितना आराम से देख के बच्चे यहाँ पे मेले का मनोरंजन ले रहे हैं। ये सब है बहुत ही मन ये वो है भाई, ये आप देखिए आपका देखिए बहुत दूर से हमारा भाई पहुंचा है यहाँ पे भाई। हमारी वीडियो देखता है लाइक करता है, भाई लाइक करे और सब्सक्राइब करो चैनल में, बहुत बढ़िया वीडियो बनाओ। हमारे भाइयों सपोर्ट बना रहे हैं, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय बाबा। यहाँ से निकास द्वार है,
इसके बाद में हो जाता है पूरा मंदिर को, हमने पूरा कवर किया आपके लिए। अभी कुछ इवेंट्स हैं वो पूरा कवर करते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, वहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो वहाँ पे स्विमिंग पूल है, कुछ बच्चे नहा भी रहे हैं, सीजन तो नहीं है। तो चलिए अनाउंसमेंट हो रही है, बूढ़े व्यक्तियों की रेस होगी। आप इतने वृद्ध व्यक्तियों ने इतना कम दिखाया, इतने एंगल ले आ रहे थे। हम आपको ऊपर के भी दिखाएंगे, ऊपर से देखिए बहुत अच्छा सीन आ रहा है सिनेमैटिक। और यहाँ से देखिए, देख नज़ारे भी देख रहे, बारिश हो बहुत बढ़िया रेल भाई, हाँ मज़ा आ गया भाई। अब यहाँ से आपको सिनेमैटिक व्यूज दिखाते हैं, देखो मंदिर का ही बहुत अच्छा। आई होप हमारी वीडियो देख के आपको मज़ा आ रहा होगा और कुछ अलग देखने को मिला होगा। ऐसे ही हरियाणा के कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर बटन दबाकर हमसे जुड़ सकते हैं और लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाबा का मंदिर देखिए, रावी हिल्स के बीच में बनाया गया है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा वातावरण है। और ये देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज कितना प्यारा लग रहा है। देश को मेरा सलाम, जय हिंद जय भारत। यहाँ से हम देख सकते हैं श्याम बाबा मंदिर और रामसर बाबा मंदिर कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। और ये दोनों शिखर पे ध्वज कितना अच्छा लग रहा है फहराते हुए, यहाँ से मंदिर का पूरा दृश्य लिया जा सकता है। और ये देखिए यहाँ पे एक वरना गाड़ी मिट्टी के अंदर धस चुकी है, अनेक प्रयासों के बाद में उसको निकाल दिया। और यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट होने वाला है, छोटे बच्चों के दौर शुरू हो गए हैं। ये छोरे शाबाश, छोटे बच्चों के दौर शुरू हो गए हैं, शाबाश। आखिरी चक्कर है ये, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसी से हमें सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। इतना तो आप कर ही सकते हो, हम भी इतनी मेहनत से आप तक वीडियोस पहुंचाते हैं। और अगर नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बाबा के दर्शन का पार्ट वन अभी इसके अंदर कवर किया है हमने, ज़्यादा लंबा वीडियो होने के कारण हमने पार्ट टू अलग से बना दिया है कुश्ती का, वो भी जल्दी चैनल पे अवेलेबल होगा। थैंक यू, जय हिंद।